सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। जैसे कि आजकल महामारी का टाइम चल रहा है, हमें डॉक्टर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी ये जल्दी ठीक नहीं होगा, तो हमें एहतियात तो बरतनी है। जैसे हमने अपने क्लिनिक के अंदर पेशेंट को बिना मास्क लगाए नहीं आने देना चाहिए, खुद भी मास्क लगाना चाहिए, और अपनी सभी मशीनों को, बेड को सैनिटाइज करना है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे बता रहा हूँ सैनिटाइज करने का। आप ऐसा एक पंप ले आना, 200-250 रुपये का आता है, इससे और सस्ते भी आते हैं छोटे वाले। इसके अंदर जो मैंने है डाल रखा है डिटोल और स्प्रिट और साथ में पानी, सबसे बेस्ट है ये। अगर आप इसको स्प्रे करेंगे 100 ml वो डालिए स्प्रिट, 100 ml आप डालिए इसमें डिटोल या सेवलॉन, इसमें पानी डाल के 200-300 ml, तो ये आपका बहुत चलता है और बहुत बढ़िया है। अब हम इसको स्प्रे कर रहे हैं अपने बेड के ऊपर। जब भी कोई पेशेंट आता है, हमने सुबह तो स्प्रे कर दिया, ओके, सभी बेड्स के ऊपर हम करेंगे। पूरा हमने ये स्प्रे कर दिया, और जब एक पेशेंट इस बेड से उठेगा तो दूसरे पेशेंट को लिटाने से पहले हम फिर इस बेड को स्प्रे करेंगे। ताकि हमारी वजह से या किसी पेशेंट की वजह से हम बीमार ना हों या कोई और हमारा पेशेंट बीमार ना हो। जो हमारा ये दरवाजा है, डोर हैंडल, इस पर भी हम करेंगे। अब मैं इसमें पूरे रूम में भी कर देता हूँ थोड़ा सा। ये पर्दे हैं, पर्दे के ऊपर भी कर दिया। कि पर्दे हम लगाते रहते हैं ना, जब कोई पेशेंट आए तो लेडी पेशेंट हो तो हम ये कर्टन यूज करते हैं, तो हाथ तो लगते हैं सबके ऊपर, तो हमने कर्टन के ऊपर भी कर दिया। इसके साथ साथ हम जितनी भी मशीनें हैं, मशीनों के ऊपर भी स्प्रे करते हैं, क्योंकि उनके हाथ या पैर तो लगते ही हैं मशीनों पे। अब इस रूम में मैंने स्प्रे कर दिया है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब जो हमारा क्लिनिक है उसके अंदर पहले हमने हैंडल पे स्प्रे किया, फिर मैं सभी चेयर्स पे, अभी मैं करके हटाऊं, सभी चेयर पे भी स्प्रे करता हूं, अपने बैठने वाली चेयर पे भी, टेबल पे भी, पेशेंट की चेयर पे भी, और जितनी भी हमारी मशीनें हैं सब पे भी हम स्प्रे करते हैं। ये प्रिकॉशन है ताकि हम स्वस्थ रहे और लोगों को भी स्वस्थ करें। जब भी कोई पेशेंट आए, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद आपने फिर दोबारा से उसके ऊपर स्प्रे करना नहीं भूलना है आपने, ये आप जरूर कीजिए। तो मैंने एक पहले भी वीडियो डाली थी, मैंने आपको बताया था कि हमने ये सैनिटाइजर कैसे बनाना है। बिल्कुल सिंपल है, डिटोल डाल लीजिए और उसमें स्प्रे डाल लीजिए 100-200 ml, जितना बड़ा आपका ये कंटेनर उस हिसाब से उसमें उससे डबल या ट्रिपल पानी डाल दीजिए, सबसे बेस्ट है। अब आप इस रूम के अंदर 5 से 10 मिनट बैठ नहीं सकते, इतनी ज़बरदस्त इसमें स्मेल हो गई है। तो मैं 5-10 मिनट बाहर बैठूंगा, उसके बाद यहाँ पर आऊँगा। तो उम्मीद है सभी साथी बिल्कुल एहतियात बरतेंगे और खुद भी स्वस्थ रहेंगे और औरों को भी स्वस्थ करेंगे।